सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको फ्री फायर के टॉप 6 ऐसे मिथ दिखाऊंगा जिनको देख के आपको सच में मजा आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग है। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, अभी यार आप वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके और अपने एक फ्रेंड तक शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद आज की हमारी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लूवॉल ट्रिक। गो टू ग्लूवॉल स्कूल, हियर बाय ग्लूवॉल, देन ऑफ योर नेट, पुट ग्लूवॉल कंटिन्यूसली, देन ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, आफ्टर सम टाइम देन प्रेस ऑन बटन वेयर यू कैन लीव द ग्लूवॉल स्कूल ऑन योर नेट कनेक्शन, देन सी मैजिक। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है। इसके बाद हमको जाना है ग्लूवॉल स्कूल के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है बीच में, ठीक है? तो आपको ग्लूवॉल के ऊपर प्रेस करना है तो आपके पास 25 ग्लूवॉल आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना है। फिर आपको इस तरह से ग्लूवॉल को लगाते रहना है कंटिन्यूसली, ठीक है? जैसे गाइस मेरी ग्लूवॉल ख़त्म हो जाएगी, मैं ऊपर से अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लिया और अभी मैं ऊपर से एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से वापस कर दूँगा, ठीक है? मैंने एग्जिट कर दिया। अब जैसे ही मेरा इंटरनेट कनेक्शन वापस आएगा तो देखते हैं गाइज क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट कनेक्शन वापस आ गया है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पास 25 ग्लूवॉल आ गई है इसके बाहर भी। एंड गाइज मैं यहाँ पर मतलब गन के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, गन उठा के वन टैप ग्लूवॉल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। भाई क्या ही ओपी ट्रिक है। एंड यहाँ पर हम अनलिमिटेड ग्लूवॉल ले सकते हैं। जैसे गाइज मेरी 25 ग्लूवॉल ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा से मेरे को फिर से मतलब 25 ग्लूवॉल मिल जाएगी। तो गाइज बहुत ही ओपी ट्रिक थी। अभी आपको ग्लूवॉल की प्रैक्टिस करने के लिए कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में और आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। तो आप अनलिमिटेड ग्लूवॉल लेके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर जरूर से कर देना। पहला स्टेप गो टू कलेक्शन, सेकंड स्टेप ग्राउंड पंच इमोट करो, थर्ड स्टेप व्हीकल सेक्शन में जाओ, फिर मैजिक देखो यानी कि जादू। तो आज मैं आपको जादू दिखाता हूँ भाई के अकॉर्डिंग। तो हम जाते हैं कलेक्शन में और कलेक्शन में जाने के बाद हमको ग्राउंड पंच वाला इमोट ढूंढना है। कौन सा? ये वाला है गाइस, ग्राउंड पंच इमोट, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद मैंने व्हीकल वाले पे किया तो गाइस आपने देखा लेफ्ट में से जो इमोट की यार एनिमेशन थी, मतलब उसकी जो पावर थी ब्लू ब्लू कलर की, वो निकल रही थी। अब हम दोबारा से करके देखते हैं और बैकपैक में जाएंगे तो गाइस ये बैकपैक पे भी हो रहा है। मतलब गाइस आप व्हीकल पे क्लिक करोगे या बैकपैक पे या कहीं पे भी क्लिक करोगे, ये आपका जो इमोट है ना इसकी एनिमेशन आपको वहाँ पर दिखती है, बाकी किसी भी इमोट की नहीं दिखती। तो भाई एकदम अमेजिंग है भाई, सही में अमेजिंग है। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना। तो चले गाइस बढ़ते हैं थर्ड नंबर मिथ की ओर। भाई M1887 लो एंड राफेल कैरेक्टर लो एंड क्लैश कोड में जाओ एंड M1887 शॉटगन बाय करो एंड राफेल की एबिलिटी लगाओ एंड शूट करो, M1887 की साउंड M1014 की तरह हो जाएगी। भाई प्लीज़ मेरा मिथ ले लो, ओके ब्रो। तो गाइज मैंने राफेल कैरेक्टर ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ क्लैश कोड रैंक के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद मेरे को M1887 परचेज करनी है, तो वो भी मैंने कर ली। अब सबसे पहले आप इसका साउंड वैसे सुन लो कि कैसा है, वैसे आपको पता ही है फिर भी गाइस सुन लो। अब मैं इसकी एबिलिटी को चालू करता हूँ। तो गाइस सच में जो M1887 है, अगर हम राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी को चालू करते हैं तो इसका साउंड M1014 की तरह हो जाता है। तो गाइस आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था कमेंट करके ज़रूर से बताना और भाई का मिथ एकदम सही है। ब्रो पहले बाइक का इमोट लो, उसको क्लासिक में यूज़ करो, जब वो ऊपर जाएगा तभी अलोक की एबिलिटी यूज़ करो और मैजिक देखो। तो गाइज मैं अलोक को और बाइक वाले इमोट को लेके आ गया। अभी मेरे को बाइक वाला इमोट करना है और जैसे ही ये ऊपर जाएगा अलोक की एबिलिटी चालू करनी है। तो गाइज आप ऊपर देख सकते हो कितना प्यारा सा ऊपर यार अलोक की एबिलिटी चल रही है, जैसे यार इंद्रधनुष हो और इतनी ऊपर चल रही है, तो भाई देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही है। आपको ये कैसी लग रही है भाई कॉमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइज वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये अच्छी लगी है, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जब मैंने इसको करा तो मज़ा ही आ गया भाई देख के। अगर आपको भी मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं आया तो भी कर दो यार, आपका कुछ नहीं जाता। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर।
ब्रो आप अगर क्लैश कोड में सेटअप ग्लूवॉल की जगह सेटअप ग्रेनेड करोगे और फिर स्प्रिंट करोगे, फिर नोक हो जाओ और आप नोक होने के बाद खड़े रहोगे। तो गाइज यहाँ पर मैं सेटअप ग्लूवॉल की जगह पे सेटअप ग्रेनेड करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो मेरा कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिक इस तरह से भागने लगता है। ठीक है, तो अभी मैं एनिमी के हाथों से नोक हो जाऊँगा और देखते हैं कि मैं खड़ा रहूँगा या मतलब क्या होगा, देखते हैं। तो भाई बंदा मिल गया, ये आ गया। ओ भाई एडम चचा, ओ भाई मार दे, कोई तो मार दो, कोई तो मार दो। आया भूत, आया, मर गया। ओ भाई ये क्या था मतलब, नहीं भाई खड़ा तो नहीं रहा। फिर गाइस मैं इसको दोबारा से यहाँ पर करने आया था कि मैं सोच रहा था जोन से होता हो शायद, तो मैंने इसको जोन से डैमेज खवाया, इसको नॉक करवाया, पर वही कोडा हो गया ये बंदा। ठीक है, तो गाइस भाई का मिथ एकदम गलत है, यहाँ पर बंदा खड़ा नहीं रहता है, ये कोडा हो जाता है। ठीक है, अपनी फ़ोन सेटिंग ओपन करो, डेट एंड टाइम में जाओ एंड डेट को 31 मार्च करो, फिर फ्री फायर ओपन करो और पैट सेक्शन में जाओ और देखो मैजिक। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी डेट को 31 मार्च कर दिया। अब मैं फ्री फायर को ओपन करके पैट सेक्शन के अंदर जाऊँगा और देखते हैं गाइज हमको क्या मैजिक देखने को मिलता है। तो गाइज हमारी गेम ओपन हो चुकी है, अभी मैं पैट सेक्शन के अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या मैजिक देखने को मिलता है, जैसा कि भाई ने बोला था। तो गाइज यहाँ पर मैं सारे पैट को चेक कर रहा हूँ, तो गाइज आप देख सकते हो जैसे पैट मेरे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं, ना यहाँ पर कोई न्यू पैट आया, ना कोई मेरा पैट गायब हुआ, तो कोई भी मैजिक देखने को नहीं मिला है। एंड जैसे कि भाई ने बोला था, तो आप भी अपने फ़ोन में इसको ट्राई करके देख सकते हो क्या आपको कोई मैजिक देखने को मिलता है, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 6 मिथ्स और टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अभी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। तो गाइज अभी आप देख रहे होंगे कि भाई हमारे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मतलब कि चैनल डाउन जा रहा है। मैं अपनी तरफ से तो भाई पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप ही इसको सही कर सकते हो। आप ना वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को शेयर किया करो अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक। ठीक है, तो बस आप इतना छोटा सा काम कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकॉन को पे सेट कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माई टू फैमिली।